Hello and assalamu alaikum. For every one of you who is new on my YouTube channel, my name is Adan Mehdi. It's been a long time since I posted the last video on my YouTube channel, but this time I'll try to post on my channel regularly. मैंने पहले भी ये बहुत दफ़ा कहा है कि मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ पोस्ट करूँगा, बट फॉर वन रीज़न एंड अनदर मैं नहीं पोस्ट कर पाता. लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ, आई होप कि ये इट चेंजेस इनटू रियलिटी और मैं अब कंटिन्यूसली पोस्ट करता रहूँ. सो अगर आपने आज का टाइटल देखा होगा और ऑफकोर्स आपने थंबनेल भी देखा होगा कि गेटिंग एडमिशन्स इनटू द लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर इस रिगार्ड में मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो आई एम पार्ट ऑफ लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम 2021 और अभी मई 2023 में मैंने अपना सोफमोर ईयर यहाँ पर कंप्लीट किया है, विच इज़ बेसिकली द सेकेंड ईयर. और आप कह सकते हैं कि आई एम हाफ वे डाउन एंड आई विल कंप्लीट माय अंडर ग्रेजुएशन डिग्री इन 2025 इंशाल्लाह. अगर बात करें 2021 की, जब मैं LSE के लिए अप्लाई कर रहा था और डिफरेंट चीज़ें सर्च कर रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, तो ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑनलाइन मिल नहीं रहा था लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा अवेलेबल था. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नास्ट की बात करें या लम्स की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल था, बट LSE का लैक कर रहा था. सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो एम्ड टू फिल दैट गैप. और मैं अभी सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने जॉट डाउन कर लिए हैं, तो अभी हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द पॉइंट्स, मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं जो एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि द टाइम व्हेन आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो बेसिकली वो अब गुजर चुका है एंड इट्स पॉइंटलेस उसको डिस्कस करना. आई थिंक 4th या 5th जुलाई उसकी डेडलाइन थी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अच्छा जी, तो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर जोट डाउन किए हैं उसमें से पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है एंट्रेंस टेस्ट और एडमिशंस. अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2021 में, क्योंकि अभी स्टिल कोविड वाला एरा चल रहा था, तो हमारा जो टेस्ट था वो फिज़िकली नहीं हुआ था, ऑनलाइन हुआ था. और ऑनलाइन वो टेस्ट ज़ाहिर है उस तरह फुल लेंथ हो नहीं सकते थे, तो वो बड़े ब्रीफ टेस्ट थे. तो अगर मैं आपको उसका ज़्यादा बताऊंगा तो वो थोड़ा पॉइंटलेस हो जाएगा, क्योंकि अब उस तरह से टेस्ट नहीं लिए जाते. सो ये बेहतर होगा कि मैं अब आपको बताऊं कि अब किस तरह जो टेस्ट्स का पैटर्न है और इंटरव्यूज़ का जो पैटर्न है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. सो बेसिकली LSE का जो अपना एंट्री टेस्ट है, इट इज़ टेस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑफ द SAT. सिर्फ बिल्कुल सेम टू सेम उसी फॉर्मेट पर ये भी टेस्ट होता है, और हूएवर क्लियर्स द टेस्ट उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है. और बहुत कोई कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू किया नहीं जाता, बेसिक इंटरव्यू होता है. और अगर आप उसको, विच मोस्ट ऑफ़ यू विल इंशाल्लाह क्लियर, अगर आप उसको क्लियर कर लें तो आपको जो है एडमिशन लेटर इशू कर दिया जाता है, एंड दिस इज़ हाउ यू गेट एडमिशन इन टू द लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर यूनिवर्सिटी का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो यहाँ पर मैं मैंशन करना चाहता हूँ कि LSE का एक्सेप्टेंस रेट क्या है. अच्छा, सिंस लास्ट ईयर और एन ईयर बिफोर द लास्ट ईयर LSE का जो एक्सेप्टेंस रेट था वो ऑलमोस्ट कोई 85-90% था. अच्छा, ये जो स्टैट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 85-90%, ये कोई यहाँ पर फैक्ट नहीं है. ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ऑफकोर्स डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट केसेस में. मैं सिर्फ जनरली जो मैंने देखा है और मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि वो 85-90% एक्सेप्टेंस रेट था टिल 2022. बट जब मैं सेकेंड ईयर में आया हूँ और 2022 में जो इनटेक्स हुई हैं, तब मैंने देखा है कि सिग्निफिकेंटली जो एक्सेप्टेंस रेट है वो नीचे गिरा है, विच मीन्स कि LSE इज़ बिकमिंग मोर कंपेरेटिव. और मुझे नहीं पता कि इस बार किस क्या होगा एक्सेप्टेंस रेट, बट आई थिंक कि आपको अब पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी फॉर द टेस्ट एंड द इंटरव्यू, सो यू कैन ईजिली गेट इन टू द लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. अच्छा, अगर हम अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की बात कर लें वो है फी स्ट्रक्चर. ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की डिसीजन कर रहे होते हैं. सो अगर मैं अपने पहले सेमेस्टर की बात करूँ तो पर कोर्स जो फ़ी थी वो 42,500 थी. पर कोर्स जो है वो फ़ी चार्ज की जाती है, और फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि 5 कोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं मोस्टली, तो
वो आप 42,500 कर लें, तो यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन मैं बाद में करके लगा दूंगा कि वो कितने बनते हैं। और फिर सेकेंड सेमेस्टर में वो 6 कोर्सेज आ गए थे, तो वो 42,500 इंटू 6, वो जितने भी बनते हैं उतनी आपकी फ़ी आ जाती है। अच्छा, अगर आप देखें तो ईयरली जो है वो इंक्रीमेंट भी लगता है फ़ी में। फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे बताया कि 42,500 थी पर कोर्स फ़ी, वो सेकेंड ईयर में राइज कर गई एंड दैट वाज 49,000 पर कोर्स। और इसी तरीके से आई थिंक जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो एक और इंक्रीमेंट लगेगा, एंड विद द इन्फ्लेशन सिचुएशन अराउंड द कंट्री आई एम नॉट श्योर कि वो कितना ज़्यादा होगा। प्रॉबेबली वो कोई 55 से 60,000 के ब्रैकेट पर कोर्स में जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो ये है कि प्रोग्राम्स कौन से ऑफर किया जाते हैं लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। अच्छा, ये बहुत अज्यूम किया गया है कि लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और नाम में, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिक्स आता है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स की डिग्री यहाँ पर जो है वो पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है। वाइड रेंज ऑफ डिग्रीज जो है वो यहाँ पर ऑफर की जाती हैं। ये आपके सामने आ रहा है इस वक्त के यहाँ पर जो भी डिफरेंट हमारे पास कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। खैर, फर्स्ट ईयर में तो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं, वट एवर देयर डिग्रीज आर, क्योंकि जो आपकी डिग्री होती है वो आप थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में जाके डिसाइड कर रहे होते हैं। एंड डिग्रीज आर बेसिकली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सी जी पी ए यू हैव अर्न इन द फर्स्ट ईयर। मतलब कि आपका जो भी सी जी पी ए होता है फर्स्ट ईयर के एंड पे, उसकी बेसिस पे आपकी डिग्री जो है वो डिसाइड की जाती है। जाहिर है जो ज़्यादा कंपेटिटिव डिग्री है उसके लिए आपको ज़्यादा सी जी पी ए चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डबल मेजर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं या डबल मेजर्स इन मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, ऐसी कुछ डिग्री कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 3.5+ सी जी पी ए चाहिए होगा। हाउएवर, अगर आप कोई और डिग्री कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग एंड मीडिया कर रहे हैं, तो आपको प्रोबेबली 2.5 या 3 का सी जी पी ए चाहिए होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीवन जो कि लाहौर से नहीं होगा और बाहर से एलएससी में अप्लाई कर रहा है, वो है अकोमोडेशन। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड नो या आई वुड नो, मतलब अगर नहीं भी पता तो यू मस्ट नो अब कि एलएससी जो है वो अकोमोडेशन, जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड नहीं करता। दिस माइट बी अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, वॉज नॉट फॉर मी, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पर पहले पढ़ा हुआ था तो मुझे आइडिया था कि यहाँ पर किस तरह से अकोमोडेशन करना है। बट यहाँ ये एक जगह है कि जहाँ पे एलएससी बहुत ज़्यादा लैग करता है। हाउएवर, एलएससी की क्लोज वेसिनिटी में आपको पेइंग गेस्ट की ऑप्शन मिल जाती हैं, रेंट्स की ऑप्शन मिल जाती है, और वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्टल भी है, उसकी भी ऑप्शन मिल जाती है। खैर, इसको जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कवर करूँगा, बिकॉज़ मैं ख़ुद भी लाहौर से नहीं हूँ, सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सो आई एम श्योर कि मैं इसको अगली वीडियो में कवर करूँगा। अच्छा, आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स, जो भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा होता है उसको एक जेन्युइन कंसर्न होता है, उसको एक जेन्युइन क्वेरी होती है कि यार जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ उस जगह का एनवायरनमेंट किस तरह का होगा। एनवायरनमेंट जो है बेसिकली बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत मेच्योर इन्वायरमेंट है, हर कोई अपने काम से काम रखता है, कोई ज़्यादा जो है वो किसी दूसरे के मामले में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता। सो अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं एंड यू स्टे इन योर लिमिट्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रूड, बट अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम और देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जो भी पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट समझे उनको मैंने आज कवर किया है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे सेपरेट नेसेसरी फोकस चाहिए, उनको मैं डिफरेंट वीडियोज़ में कवर कर रहा हूँगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप्स हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन है, या फिर एक्सटर्नल रिलेशन ऑफिस है, सो इन सबको मैं अपकमिंग वीडियोज़ में जो है वो कवर करूँगा। और इस सब की मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा एल एस सी के नाम से, और ये वाली वीडियो जो है वो इस प्ले लिस्ट की पहली वीडियो होगी। और अगर आपको कुछ भी यूज़फुल कंटेंट मिला है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दिस वीडियो। एंड इवन इफ यू हैव एनी क्वेरीज अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माय ईमेल एड्रेस व्हिच इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड मोर देन विलिंग टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। सो दैट्स प्रीटी मच इट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।